हेलो गाइस, वेलकम टू कृषि क्रोसिट चैनल। तो आज मैं आप लोगों को 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बहुत सुंदर सा ड्रेस बना के खाऊंगी। और मेरा चैनल में और भी बहुत सारा लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस है, राधा रानी के लिए स्कर्ट है, किसने के लिए धोती है। चैनल में जाएंगे तो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी और वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए ज्यादा नहीं बात करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। क्रोशिया हुक ले लिया 2.5 mm और यहाँ पे देखिए मैंने चोली पहले से बना लिया और इसका वीडियो आपको मिल जाएगी मेरा चैनल में और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चोली बनाने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया और एक चेले के धागा को काट दिया। आप चाहो तो यहाँ से भी घेरा बना सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट। तो देखिए मैंने ऊल ले लिया और यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाएंगे और क्रोशिया में डाल लेंगे। और जहाँ पे देखिए मैंने स्लिप स्टिच से धागा काट दिया, सेम इसी होल में सिंगल क्रोशिया बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ पे 7th chain मैंने बना लिया। बनाने के बाद एक चेन छोड़ देंगे और दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर से 7 chain बनाया, बनाने के बाद एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में जा कर के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 chain बना लिया, उसके बाद फिर से एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से छोटा छोटा लूप बन जाएगी तो पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड मेरा कंप्लीट हो गई और यहाँ पे देखिए मैंने अभी तक एक चेन यहाँ पे बाकी है, 1, 2, 3, 3 chain लिया। लूप लेंगे, लूप लेने के बाद देखिए ये जो पहला चेन है यहाँ पे जहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस तरह से लूप उठाएंगे और यहाँ पे छोटा सा डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, तो कितना लूप बना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लूप बना है। ठीक है, तो इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, फिर से 7th chain लिया। नेक्स्ट जो ये जो होल है, चेन का होल है, चेन के ऊपर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जहाँ पे मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और फिर 1, 2, 3 जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मैंने 3 chain लिया। 3 chain लेने के बाद देखिए ये जो सेंटर है आपको देखना है, स्टार्ट में जैसे आप 7th chain लिया था उसके बाद एक चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 7th chain लिया, एक चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाया, ये है देखिए भी बन गया ना, ये थोड़ा सा खींचेंगे तो भी बन गया। देखिए यहाँ पे भी बन गया, तो यहीं पे हमको डबल, ये देखिए ये जो डबल क्रोशिया है जब आप बनाओगे आपको पता चल जाएगी उस टाइम स्टेप बाय स्टेप। तो डबल क्रोशिया, 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया बनती है, तो इस तरह से हम उठाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी चेन पे 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गई और ये हो गई 4, ये हमारा हो गई 5, 6 और ये हो गई 7। 7 बार हो जाने के बाद देखिए ये जो भी है, भी जो इस साइड डबल क्रोशिया है, हम इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, घुमाने के बाद लूप लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इस तरह से हम उठाएंगे और इस तरह से चेन को हम पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 7 बार, 2, 3, 4, 5, 6 ये होगी 7। देखिए इस तरह से गोल करके घुमाना, इसके बाद देखिए सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए ये जो 7 chain वाला ये वाला है यहाँ पे हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3, 4 और ये हो गई हमारा 5। इसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 3 chain लिया। चेन के नीचे जस्ट देखिए 2 लूप है, इसको उठाएंगे इस तरह से, उठा के यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा लूप बन गया, इसे पीको कहती है। तो लूप हो गई और फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
दो, तीन, चार, ठीक है। देखिए इस तरह से कुछ बन जाएगी। फिर देखिए लूप लिया। अब देखिए जो फर्स्ट वाला जो ये है भी है, यहाँ पे पहले इसमें बनाएंगे उसके बाद इसमें बनाएंगे। इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे चेन इस तरह से पकड़ेंगे और फिर सात बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन हो गई, चार हो गई, पाँच, छः और ये हो गई सात। फिर इस तरह से हम सीधा करेंगे, लूप लेंगे, सीधा करने के बाद इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे बनाएंगे सात बार डबल क्रोशिया इस चेन के ऊपर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये हो गई सात। फिर इस तरह से सीधा करेंगे और लूप लेंगे और ये देखिए यहाँ पे जो चेन दिख रहा है, इस चेन पे हम पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, ये हो गई हमारा पांच। फिर से तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद देखिए चेन के नीचे जस्ट जो लूप है इसे उठाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से चार डबल क्रोशिया लेंगे। एक, दो, तीन, ये हो गई चार। कुछ इस तरह से दिखेगी। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर इस चेन में बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से गोल होके घूमते जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे देखिए स्टार्ट में जो तीन की चेन लिया था और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ दिया और देखिए इस तरह से पत्ती हम उल्टा करेंगे। नहीं, सबसे पहले तो चेन वन लेने के बाद पत्ती उल्टा करेंगे और यहाँ पे देखिए जब आप बनाओगे आपको पता चलेगी यहाँ पे लूप उठा के बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात चेन बना लिया, यानी सेवेंथ चेन बना लिया। देखिए सेवेंथ चेन बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट जो पत्ती है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। जोड़ दिया, फिर सेवेंथ चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। फिर नेक्स्ट पत्ती जो है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जब आप बनाओगे आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम सेवन चेन बनाते जाएंगे और हर पत्ती में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर पत्ती के ऊपर, ठीक है। इस तरह से लूप बन जाएगी आपकी। तो राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे लास्ट में जैसे स्टार्ट किया था क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन लेके धागा को काट देंगे। जोड़ने के बाद धागा को काट कर दिया और आपकी पसंद की कोई भी धागा कोई भी ऊन ले लीजिए। दूसरा कलर की ऊन ले लिया और इस तरह से क्रोशिया में डालेंगे। क्रोशिया में डालने के बाद देखिए ये जो मैंने चेन बनाया इसमें हम सबसे पहले क्रोशिया डालेंगे। क्रोशिया डालने के बाद इस तरह से हम चेन बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार और पाँच। पाँच चेन बना लिया। पाँच चेन बनाने के बाद देखिए दो बार धागा लेंगे, एक और दो। दो बार धागा लिया यानी कि ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो दो धागा निकालते जाएंगे। देखिए दो धागा निकाला, दो दो करके तीन बार धागा निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपको सात बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये हो गई सात। देखिए ये हो गई ट्रिपल क्रोशिया, सात बार मैंने बना लिया। बना लेने के बाद चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। चार चेन बनाए, ये जो धागा है एक्स्ट्रा ये बाद में कट कर देंगे। चार चेन बनाने के बाद एक और दो, दो बार धागा लिया। नेक्स्ट जो लूप है नेक्स्ट लूप में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से सात बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए 2, 4, 5 और ये हो जाएगी हमारा 7। ठीक है, फिर से 4 चेन लेंगे और यहाँ पे जितना सारा ये जो चेन है, चेन का होल है, हर होल में हम इस तरह से पत्ती बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और देखिए 4 चेन मैंने बना लिया। बना लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लूप लेंगे। लूप लेने के बाद देखिए ऊपर से नहीं, चेन के नीचे से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया बना लिया, लूप लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन बाकी रह गया। पहला चेन के ऊपर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, तीनों धागा के एक साथ निकाल दिया। फिर से लूप लेंगे, फिर देखिए क्रोशिया में 3 धागा है, 3 धागा को एक साथ हम निकाल देंगे, यानी कि हाफ डबल क्रोशिया हम जैसे बनाते हैं ना, तो हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। देखिए हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर से लूप लेंगे। लूप लेने के बाद ये जो लास्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद लूप लेंगे। लूप लेने के बाद देखिए फिर से जो स्टार्ट में जो डबल ट्रिपल क्रोशिया है इसे इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिया डबल क्रोशिया, फिर लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। फिर लूप लेंगे और लास्ट में जो ट्रिपल क्रोशिया है इसे उठा के यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया नहीं। देखिए स्टार्ट में जैसे इसे उठा के मैंने बनाया ना, तो इसको भी मैंने उठा से बना लिया डबल क्रोशिया को इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे देखिए स्टार्ट में मैंने जो डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे एक पिन लगा दिया था। अब यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 5 चेन बनाने के बाद लूप लेंगे और यही डबल क्रोशिया को हम इस तरह से उठाएंगे और उठा के यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाफ डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे बनाएंगे 5 हाफ डबल क्रोशिया। पहला चेन छोड़ेंगे, ये देखिए डबल क्रोशिया की ये जो होल दिख रहा है, होल में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और ये हो गई हमारा 5 बार। ठीक है, 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाया। लूप लेंगे, लूप लेने के बाद देखिए इस साइड जो हाफ ये जो डबल क्रोशिया है उठा हुआ है, इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बना लिया, देखिए दोनों साइड एक रो बन के आ रहा है ना। तो इसके बाद 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन दिख रहा है, इसे 2 चेन को एक साथ यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1, 2 और 3 चेन लेंगे, लूप लेंगे, फिर ये जो उठा हुआ डबल क्रोशिया है इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर से होल में बनाएंगे 5 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 और ये हो गई 5। लूप लेंगे और ये जो उठा हुआ डबल क्रोशिया है इस तरह से उठा के यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर 1, 2, 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद 2 चेन के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1, 2, 3 चेन लेंगे, फिर से पैटर्न जैसे मैंने आपको दिखाया सेम इसी तरह से पैटर्न बना लेंगे। राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई हमारा और यहाँ पे देखिए मैंने 3 चेन बना लिया। देखिए 3 चेन बनाने के बाद लूप लेंगे, लूप लेने के बाद देखिए यहाँ पे मार्कर दिया हुआ है, ये जो उठा हुआ डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। लूप लिया, लूप लेने के बाद देखिए यहाँ पे 5 हाफ डबल क्रोशिया है। अब हमको बनाना है 4 हाफ डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। लूप लेंगे और ये देखिए जो उठा हुआ डबल क्रोशिया है साइड में हमारा, इसे ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इसके बाद लेंगे 7 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
सात डबल क्रोशिया लेने के बाद लूप लेंगे। लूप लेने के बाद देखिए नेक्स्ट जो पैटर्न का ये जो डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर लूप लेंगे और चार बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे होल में, चेन में नहीं बनाएंगे, होल में बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, चार बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेने के बाद लूप लेंगे और ये जो साइड में उठा हुआ डबल क्रोशिया है इसे उठा के बनाएंगे। फिर सेवेंथ चेन बनाएंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो इसी तरह से हम राउंड कंप्लीट करते जाएंगे, पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई, यहाँ पे सेवेंथ चेन मैंने बना लिया। बना लेने के बाद लूप लिया, लूप लेने के बाद देखिए यहाँ पे जो उठा हुआ डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम उठा के डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लूप लेंगे। लूप लेने के बाद देखिए यहाँ पे चार हाफ डबल क्रोशिया है, आप बनाएंगे तीन, चार से तीन हो जाएगा, एक, दो, और ये हो गया हमारा तीन। ठीक है, तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद लूप लेंगे और ये जो साइड में डबल क्रोशिया इसे उठाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नौ चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। नौ चेन बना लिया। नौ चेन बनाने के बाद लूप लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया को उठाएंगे यहाँ पे और इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से तीन बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, और ये हो गया हमारा तीन। ठीक है, तो इसी तरह से राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे मैंने नौ चेन बना लिया। नौ चेन बना लेने के बाद देखिए यहाँ पे मार्कर लगा हुआ है, इस तरह से हम डबल क्रोशिया को उठाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर आप देखिए तीन हाफ डबल क्रोशिया है तो अब हो जाएगी हमारा दो हाफ डबल क्रोशिया, एक, और ये हो गया हमारा दो, दो हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे देखिए लूप लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया साइड में है ये जो है ना उठा के हम बना रहे हैं तो ये इसे यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ये सेम बनेगी। अब यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये हो गई छः। छः चेन लेने के बाद देखिए ये जो दो चेन है, दो चेन को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः चेन लेंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट पैटर्न की जो पहला डबल क्रोशिया है उठा के यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर दो बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, लूप लेंगे, फिर इस साइड जो डबल क्रोशिया हम उठा के बनाते हैं यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो फिर छः चेन बनाएंगे, तीन, चार, पाँच, छः। छः चेन बनाने के बाद देखिए ये जो दो चेन है इससे उठाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर छः चेन लेंगे। छः चेन बनाने के बाद लूप लेंगे, नेक्स्ट पैटर्न का जो डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हाफ डबल क्रोशिया दो बार बनाएंगे। इसी तरह से हम राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट हो गई और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः चेन मैंने बना लिया। लूप लेंगे, यहाँ पे देखिए मार्कर लगा हुआ है, इस तरह से डबल क्रोशिया को उठाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हमारा यहाँ पे एक बार हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगी। एक बार बनाया हाफ डबल क्रोशिया, लूप लेंगे, साइड में जो डबल क्रोशिया है इससे हम उठा के डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच चेन लेंगे। पाँच चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो चेन है, चेन का होल दिख रहा है, इस होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, ये हो गई पाँच। पाँच चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो चेन का होल है इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, और ये हो गई पाँच। लूप लेंगे, लूप लेने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पैटर्न का पहला डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे, उठा के यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, लूप लेंगे और एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसे हम उठा के बनाएंगे। ठीक है, तो फिर से पांच डबल पांच चेन बनाएंगे। पांच चेन बनाने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर पांच चेन बनाएंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर से पांच चेन लेके ये डबल क्रोशिया को उठा के बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बना के दिखा दिया आपको। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड कम्प्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड कम्प्लीट हो गई और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। देखिए लूप लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे, उठा के यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे देखिए ये जो
हाफ डबल क्रोशिया है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे और एक चेन लेके धागा को काट देंगे, पीछे की तरफ लेके आएंगे और ये जो धागा है यहाँ पे नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने के बाद धागा को काट देंगे, एक्स्ट्रा धागा को कट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने पिन लगा के रखा था, अब इसे खोल देंगे। खोलने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट सिंगल क्रोशिया से मैंने बॉर्डर दिया, यहाँ पे भी दे दिया, एक साइड मैंने छोड़ दिया आपको दिखाने के लिए, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले ऊल में हम एक नॉट लगाएंगे और क्रोशिया में डालेंगे, ये देखिए एक एक डबल क्रोशिया, ये देखिए यहाँ पे दो दो डबल क्रोशिया हम छोड़े हुए है, नहीं एक चेन छोड़ के दूसरा चेन पे हम दो सिंगल क्रोशिया बनाया। सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, चेन वन, सेम होल में फिर से और एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर देखिए ये जो होल है छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, चेन वन, सेम होल में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, चेन वन, सेम होल में सिंगल क्रोशिया, एक चेन छोड़ेंगे दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, चेन वन, सेम होल में फिर से और एक बार सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से दो दो बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मिडिल में देखिए एक चेन मैंने छोड़ दिया, बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे देखिए मैंने धागा को कट कर दिया, अब दोनों धागा पीछे की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए ड्रेस पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम मोती से डेकोरेट कर लेंगे, वो भी हम कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से स्टोन ले लेंगे, आपके पास जो भी है आप उसी से आप डेकोरेट कर सकते हो। सबसे पहले ग्लू से एक एक मोती इस तरह से हम डालेंगे, पूरा राउंड करके डाल लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से मोती हम एक एक पत्ती में पूरा राउंड करके डालेंगे, ग्लू से चिपकाएंगे, ग्लू से चिपकाएंगे। फिर क्या करना है, फिर एक स्टोन लेना है, यहाँ पे एक एक स्टोन डालना है, ठीक है, पूरा डाल लेंगे। फिर क्या करना है, इस टाइप का मोती हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो चेन मैंने बनाया यहाँ पे हम पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, तो ग्लू से हम चिपका लेंगे पूरा। तो देखिए मैंने ड्रेस डेकोरेट कर लिया। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी तक जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए।